हेलो नर्सरी स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. लेट अस स्टार्ट अवर डे विद गणपति श्लोक. सो ऑल ऑफ यू प्लीज जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज. लेट अस रिसाइट गणेश श्लोक. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकूटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. ओके स्टूडेंट, सो वेलकम टू इंग्लिश क्लास. लास्ट टाइम हमने पी एंड क्यू सीखा था, राइट? तो उसका क्विकली रिवीजन ले लेते हैं हम लोग, राइट? उसके बाद वी विल स्टार्ट विथ अवर टूडेज वर्क, राइट? आई होप यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर होमवर्क, राइट? लेट अस सी द पी. ये स्मॉल पी है, कैपिटल पी देख लेते हैं. स्टैंडिंग लाइन फ्रॉम रेड लाइन टू सेकेंड ब्लू लाइन. देर आफ्टर एक कर्व करेंगे फ्रॉम रेड लाइन टू फर्स्ट ब्लू लाइन, राइट? तो ये पी था, स्मॉल पी देख लेते हैं. फ्रॉम फर्स्ट ब्लू लाइन टू द सेकेंड रेड लाइन स्टैंडिंग लाइन एंड मिडल लाइन में कर्व, तो ये पी हो जाएगा. देर आफ्टर क्यू तो बहुत ही इजी था, है ना? हमें क्या करना है, टू लाइंस में एक सर्कल करना है फ्रॉम रेड लाइन टू लास्ट ब्लू लाइन एंड देर आफ्टर एक स्लांट लाइन कर देनी है नीचे में, राइट? चलो क्यू देख लेते हैं. मैंने आपको पी एंड क्यू का डिफरेंस भी बताया था स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेम्बर, राइट? चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कर्व करेंगे, देर आफ्टर उसकी स्टैंडिंग और एक स्लांट लाइन छोटी सी, क्लियर? चलो टर्न योर पेज, लेट अस स्टार्ट. आर कैसे करेंगे, राइट? सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन फ्रॉम रेड लाइन टू सेकेंड ब्लू लाइन, देर आफ्टर एक कर्व इन मिडल, देर आफ्टर स्लांट लाइन. आर फोर रैबिट, राइट? फॉर्मेशन ना पता चले तो देख लेना स्टूडेंट्स, राइट? आर फोर रैबिट, आर फोर रैबिट. चलो नाउ विदाउट डॉट लिख लेते हैं. स्टैंडिंग को स्लांट, स्टैंडिंग को स्लांट. चलो आर, स्मॉल आर कैसे करना है, मिडल लाइन में स्टैंडिंग लाइन और जस्ट इसको इस तरीके से आर फोर रेड, और आगे हमने आर फोर रेबिट सीखा था, है ना? आर, चलो विदाउट डॉट, स्टैंडिंग लाइन इन मिडल और जस्ट कर्व, ओके? चलो तो ये हमारा हो गया आर फोर रेड, आर फोर रैबिट. देर आफ्टर आर से क्या होता है, आर से रोज भी होता है और आर से रेनबो भी होता है, राइट? चलो एस सीख लेते हैं, बहुत ही इजी एस है, राइट? क्योंकि कैपिटल एस और स्मॉल एस दोनों सेम टू सेम है, सिर्फ लाइन फॉर्मेशन याद रखनी है, ओके स्टूडेंट्स? चलो एस फोर क्या होता है, शीप. एस फोर सी, राइट? चलो कैसे लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम फर्स्ट रेड लाइन के थोड़े से नीचे और ब्लू से थोड़े से ऊपर, यहाँ पे पेंसिल लीड रखेंगे, ऊपर रेड लाइन को टच करते हुए एक कर्व, देर आफ्टर डाउनवर्ड, देर आफ्टर गोइंग अपवर्ड. एस, एस फोर क्या होगा, शीप. चलो फिर से एस फोर शीप, बोल रहे हो ना आप लोग मेरे साथ स्टूडेंट्स, एस फोर शीप, एस फोर सीप, ओके? चलो नेक्स्ट विदाउट डॉट कैसे करना था, कहाँ पे हमारी पेंसिल लीड रखनी है, इन दोनों के बीच में, राइट? ऊपर जाना है, देर आफ्टर एक स्लांट, फिर यहाँ पे से थोड़ा हमें कर्व करके ऊपर, ओके? चलो ये हमारा हो गया कैपिटल एस, राइट? नाउ स्मॉल एस सीख लेते हैं. ये है हमारा स्मॉल एस, सन, राइट? और एस से सूज भी होता है. सिर्फ करना क्या है स्टूडेंट्स, हमें मिडल लाइन में सिर्फ लिखना है, मिडल लाइन यानी ब्लू लाइन लिखना वही है, एस फोर
सन। पहले हमने दो लाइन में पढ़ा, अब हमें वही फॉर्मेशन सिर्फ हमें मिडिल लाइन में लिखना है ना, बहुत ही इजी। चलो एस, एस फॉर सन, एस फॉर सन। नाउ विदाउट डॉट एस एस। ओके स्टूडेंट्स, चलो आपका पेज टर्न करो। चलो आपको यहाँ पे फर्स्ट लेटर्स इसके दिए हैं, आपको ट्रेसिंग खुद से करनी है, राइट। यहाँ पे मैं आपको होमवर्क दूंगी आज, इसमें क्या लिखना है, ये कौन सा पिक्चर है आइडेंटिफाई करो। तो स्टूडेंट्स यस, ये है आउल। तो ओ कैसे लिखते थे हम टू लाइंस में, इस तरीके से, और स्मॉल ओ भी कैसे लिखेंगे, मिडल लाइन में। ओके चलो एक और करा देती हूं मैं आप लोगों को, ये है पीकॉक। चलो पीकॉक में तो आज हमने अभी ही रिकैप में लिया था, है ना, स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पे को, इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन और को। ओके, और ये 1 2 3 आपके होमवर्क में। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं, कलर द पिक्चर्स एंड मैच विद देम विद द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम। चलो इसमें आपको क्या करना है, कलरिंग भी करना है और मैच, ये आपको कंप्लीट अपने तरीके से ही करना है स्टूडेंट। पता है क्यों, क्योंकि अब हमारा सेमिस्टर है वो भी एंड होने आया है, तो अब थोड़ा आपको इंडिपेंडेंटली वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो ये मैं आपको एज अ टेस्ट दे रही हूं, आपको ये मैच करके मम्मा को दिखाना है कि आपने ये मैचिंग सही की है या नहीं। ओके चलो पेज टर्न करो, आज हम टी भी साथ में सीखने वाले हैं, राइट। चलो टी कैसे करेंगे, सबसे पहले एक हम करेंगे यहाँ पे रेड लाइन में स्मॉल स्लीपिंग लाइन, और मिडल में से हम स्टैंडिंग लाइन टू लाइन में करेंगे इस तरीके से। तो ये टी फॉर टेप, टी फॉर टॉर्टोइस। ओके चलो टी फॉर टेप, टी फॉर टॉर्टोइस, अगेन टी फॉर टेप, राइट। नाउ विदाउट डॉट, बहुत इजी है ना स्टूडेंट, कैसे करना है चलो फिर से एक बार देख लो। स्लीपिंग लाइन इन रेड लाइन, और उसके मिडल में से हमें टू लाइन में स्टैंडिंग लाइन। ओके चलो टी से टाइगर भी होता है, और टी से टॉफी यानी चॉकलेट्स भी होती है, राइट। चलो स्मॉल टी देख लेते हैं, सबसे पहले रेड लाइन में आपकी पेंसिल लीड, स्टैंडिंग लाइन इन टू लाइन एक कॉव, और यहाँ पे ये फर्स्ट वाली जो ब्लू लाइन है वहां पे स्लीपिंग लाइन। समझ में आया बच्चों, टी फोर टाइगर, टी फोर टाइगर। ओके चलो टी फोर टाइगर, है ना स्टूडेंट्स। ओके तो आज हम यहां तक ही रख रहे हैं, राइट। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे इंग्लिश के क्लास में तो हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, कंप्लीट योर होमवर्क। ओके, मैंने आपको जो आज 3 लेटर पढ़ाए, कौन से वाले याद करके वो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं, राइट। बाय बाय।